الله أكبر الله أكبر काली बला का और ना बदरूप का अब भेडर काली बला का और ना बदरूप का अब भेडर समझे खुदा हमारा वसीला निजाम है। इन मनसब के अख्तियार के साथ अदबन इंतजार करता हूँ आयु कुरान खातिरा कुरान हजरत मुशायख शाह नसीरुद्दीन साहब निजामी से कि अपने मखसूस अंदाज बयान से सामई रखी के दिलों को जज्बे अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बरगुजीदा बंदों के तज़किरे करने का मौका इनायत फरमाता है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहां पर औलिया अल्लाह का जिक्र होता है वो जिक्र अल्लाह के जिक्र के बराबर हुआ करता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को बहुत सारे ऐसे मौके फराहम फरमाए हैं कि हमारी मजलिसें बहुत ज्यादा खुसूसन जनपदन के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की मजलिसें जिनके अंदर खौम महजलिया बहुत ज्यादा शरीक होती है और अल्लाह तबारक व तआला कियामत तक भी ऐसी बरगुजीदा हस्तियों की शान में जलसे मुनाकिद करने की और खुदा की बाबरकत मजलिस में हमें शरीक होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने मुकद्दस कलाम में इरशाद फरमाया, उसी के साथ साथ उसने अपने उन मखसूस बंदों को भी उस रास्ते पर चलाया जिस रास्ते पर खुद उस ही ने इनाम वर दिया है। तो अल्लाह तबारक व तआला जिन मुकद्दस हस्तियों को चलाया है उन मुकद्दस हस्तियों में हजरत महदी माऊद अलैहिस्सलाम के खुलफा आपके ताबईन आपके तबाकाबईन और कियामत तक भी अल्लाह तबारक व तआला ही जानता है कि उसके वो कौन से बरगुजीदा बंदे हैं जो उसके हिदायत के रास्ते पर चलते हैं। अल्लाह उनके सदके से हमें भी उस हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और खुसूसन अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने बुजुर्गों की सोहबत नसीब फरमाए। सोहबत के ताल्लुक से मैं आपके सामने हजरत बदरिया शाह निजाम रजी अल्लाह तआला का एक वाक्य अर्ज करूंगा। हजरत बदरिया शाह निजाम रजी अल्लाह तआला के पास उनके सहाबी होते हैं जो शेख मोहम्मद खरासानी के नाम के हैं। शेख मोहम्मद खरासानी जब हजरत महदी माऊद अलैहिस्सलाम से मिलते हैं तो हजरत महदी माऊद अलैहिस्सलाम की सोहबत में रहने का उनको मौका नहीं मिलता। हजरत के दुनिया से पता फरमाने के बाद हजरत बदरिया शाह निजाम रजी अल्लाह तआला की खिदमत में आते हैं, अर्ज करने लगते हैं मुझे मौका नहीं मिला हजरत महदी माऊद की सोहबत में रहते हुए ईमान को हासिल करने का, मैं चाहता हूँ कि आपकी सोहबत में रहूं। तो हजरत बदरिया शाह निजाम रजी अल्लाह तआला उनको रहने का हुक्म फरमाते हैं तो वो आपकी सोहबत में रहते हैं। सोहबत में चंद दिन गुजरने के बाद शेख मोहम्मद खरासानी अर्ज करने लगते हैं, आका मुझे खुदा की जानिब से यह मालूम हो रहा है कि तुम है
जाने का हुक्म भी नहीं देते, इजाजत भी नहीं देते, बल्कि हजरत शाह निजाम फरमाते हैं तुम मेरे पास रहते तो बेहतर था। तो यहाँ से निकल कर वो मुल्क के सिंध को जाते हैं। शेख मोहम्मद खानी मुल्क के सिंध को जाने के बाद सोहबत में ना रहने की वजह से वहां वो कैसे कैसे दावे करते हुए चले जा रहे हैं, अब बखूबी जान रहे हैं। इसी वजह से औलिया की मशायखीन की सोहबत को क्यों इख्तियार किया जाता है, क्योंकि वो पावर देने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की है। तो जाकर बैठने वाले कोटे उसके अंदर दाखिल करने वाली जात भी अल्लाह तबारक व तआला की हुआ करती है। अब हजरत जाहिर नाम के सामने यह मामला पेश आ रहा है, वो इसरार कहां पर जाने का कर रहे हैं, मेहंदी अमाउत के पास, मगर जाहिर नाम उनको रोक रहे हैं। तो मोहतरम हाजरी, इसी वजह से जिन बुजुर्ग हस्तियों के जो ऐसी हस्तियां हैं जिनकी दलील के तौर पर हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा दिया, क्या इरशाद फरमा दिया, मर्द रब्बानी है, इनके अंदर तमाम की तमाम सिफतें जो अबू बकर सिद्दीक के अंदर थी वो है। क्या सिफतें हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला के सामने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, है कोई अल्लाह के नाम पर देने वाला जो अल्लाह के बंदे को लाकर अपना माल दे दे? तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अपने घर को जाते हैं, सारे का सारा माल लेकर आते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में डालकर अर्ज करते हैं, आका मैं माल लेकर आया हूँ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानने के बावजूद पूछते हैं कि अबू बकर सिद्दीक लाए क्या हो, छोड़ कर क्या आए हुए हो? तो अल्लाह के हबीब अल्लाह के रसूल के पूछने पर हजरत अबू बकर सिद्दीक अर्ज करते हैं, आका सब कुछ लेकर आ गया हूँ, घर में खुदा को छोड़ कर आया हूँ और उसके रसूल को छोड़ कर आया हूँ। तो यही सिफत हजरत बंदगीनिया चाहे राम दरिया का हजरत आशाम रजी अल्लाह तआला कि क्या क्या था, तमाम का तमाम छोड़कर मेहदी माऊद की खिदमत से निकल जाते हैं। ये सिफत जो हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने बयान करवाई कि तमाम के तमाम सिफतें अल्लाह की 99 सिफतें चाहे राम भाई राम के अंदर मौजूद हैं। उसी वक्त पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू बकर सिद्दीक के भी ताल्लुक से फरमाया था कि इनके अंदर तमाम सिफतें मौजूद हैं। तो हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने फर्जन तो हजरत उमर फारूक के हैं, मगर हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम किससे मंसूब फरमा रहे हैं, किसकी सिफतें इनके अंदर हैं, ये बयान फरमा रहे हैं। तो फरमा रहे हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक, क्योंकि वहां पर हजरत अबू बकर सिद्दीक थे, तो उन तमाम सिफतों को हजरत शाहे निजाम हजरत आशाम रजी अल्लाह तआला के अंदर होना हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम बयान फरमा रहे हैं। तो मोहतरम हाजरीन, ये अल्लाह तबारक व तआला का हौमे मेहदिया पर बहुत बड़ा एहसान है, क्योंकि जब हमारी नजर आका हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की तरफ जाती है तो हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम को हदीसों के अंदर पेश कर दिया गया। क्या पेश कर दिया गया? जब वो आएंगे तो उनके कदमों में खजानों को डाल दिया जाएगा। ये बात तो कोई ऐसी नहीं है कि हम इसको धुतार दें, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उन हदीसों को भी सच करके दिखा दिया। हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के सामने बादशाह अपने खजानों को लाकर उनके कदमों में डाल देते थे, मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम अपना हाथ तक अपने उंगली तक उसको लगाना पसंद नहीं फरमाते थे। ये कौन? हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम है। अब पलट कर देखने से क्या बात मिलती है हमको कि ये दुनिया अगर अजीज होती तो अल्लाह तबारक व तआला सबसे पहले इस दुनिया को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिकमत मुकद्दसा में इनायत फरमा देता कि ये दुनिया मेरे नजदीक बहुत ज्यादा अजीज है। ये कहते हुए अल्लाह तबारक व तआला अगर दुनिया किसी को सबसे ज्यादा नवाजता तो रसूलुल्लाह को नवाजता, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाता है दुनिया की मैंने तकदीर की है, दुनिया को मैंने बनाया है, मगर दुनिया की उखाड़ मेरी नजर में एक लंगड़े मच्छर के पर के भी बराबर नहीं है। बनाने वाली
जब दुनिया को धुतकार रही गए तो उसने जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो मकाम दिया कि अंबिया को कह दिया मेरे रसूल के आने पर तुम्हें चाहिए कि तुम उन पर ईमान लाओ और तुम्हारी उम्मत को भी ये हुक्म दो कि वो मेरे रसूल पर ईमान लाए। खिंचने बड़े रसूल कभी दुनिया की तरफ पलट कर भी नहीं देखे। तो उसी सीरत पर हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के कदमों में आकर खजाने पड़ रहे हैं। एक तो बादशाह ने हज ये कर दी कि हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम का हुजरा मुअल्ला दायरे मुअल्ला जहाँ पर था वहां से चंद मील के पास लेकर एक बादशाह का किला था। बादशाह ने गाड़ियों की माल से भरकर हजार हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम की चौपट तक लगा दी। हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम उस माल की तरफ पलट कर भी नहीं देख रहे हैं। तो पलट कर जब हम हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम और आपके खुलाफा की तरफ देखते हैं तो दुनिया की जो लापरवाही है जो बेरुखी है दुनिया की परवाही नहीं है। और दूसरी तरफ जब खुलाफा में देखते हैं तो एक तरफ हजरत बदरिया उन्होंने किया तो ऐसा किया कि हमारे हर कदम से खुदा राजी हो। हमारा कोई कदम ऐसा ना उठे जिस कदम से अल्लाह तबारक व तआला नाराज हो जाए। क्योंकि उनका उठना भी इस नियत से होता था कि हमारा ये उठना भी अल्लाह के लिए हो, हमारा ये बैठना भी, हमारा चलना भी, हमारा देखना भी अल्लाह ही के लिए हो। यानी अपनी हर चीज को अल्लाह तबारक व तआला के लिए कर रहे हो, कोई भी चीज अपने नफ्स के लिए तक नहीं कर रहे हैं। इसीलिए हजरत पहले माऊद अलैहिस्सलाम के खलीफे हजरत जाहिदा रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं नफ्स बाकी फसाद बाकी। उन्होंने अपने नफ्स ही को कुर्बान कर दिया था। नफ्स रहेगा तो खुदा के दरमियान आग पैदा करेगा। इसी वजह से उन्होंने सबसे पहले किसी चीज को खत्म किया तो इसको खत्म कर दिया, अपने नफ्स को खत्म कर दिया। नफ्स होता है तो नफ्स ही कहता है इसके खिलाफ सोचने पर, महदवियत के खिलाफ सोचने पर। क्योंकि महदवियत को जो हम आज आसानी के साथ ले रहे हैं और बाज लोग उसको आसानी के साथ छोड़ते हुए भी चले जा रहे हैं। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को परवाह भी नहीं है। अगर अल्लाह तबारक व तआला को परवाह होती तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में दुनिया तो आज शायद कम होगी, उस जमाने में कितनी बड़ी होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने सारी की सारी दुनिया के अंदर तूफान बपा कर दिया और सारे इंसानों को जो अल्लाह तबारक व तआला की गुमराही कर रहे थे, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर रहे थे, ऐसों को अल्लाह तबारक व तआला ने तबाह करके रख दिया। अगर बच रहे हैं तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास सिर्फ 40 लोग बच रहे हैं। अब हजरत नूह अलैहिस्सलाम के साथ कयामत के दिन वो लोग खड़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तबाह होने वाले पर नाज नहीं करेगा बल्कि उन 40 लोगों पर नाज करेगा जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम की मानते हुए चले गए। क्योंकि इंसान उन 40 लोगों को देखकर इबरत हासिल करेगा, ना कि वो तबाह जो सारी की सारी दुनिया हो गई उसको देखकर इबरत हासिल करेगा, नहीं बल्कि इनको देखकर इबरत हासिल कर लेगा कि सच्चे ऐसे होते हैं कि तूफान भी आ जाए अपने मकाम से नहीं हटते। फकत आज कोई एक छोटी बात कह देता है तो परेशान हो जाते हैं कि हमारे मुशायरीन इसका जवाब नहीं देंगे। अल्लाह के रसूल से कितने सवाल होते थे आपके सामने गिनाओ तो परेशान हो जाएंगे। मगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सवाल का जवाब नहीं दिया करते थे क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु
मुझे जब हुक्म दिया जाता है तो तब मैं जवाब देता हूँ। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कमाल था, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस खुसूसियत को देखकर, आपकी सीरत को देखकर हमें अपने ईमान को मजबूत कर लेना पड़ता है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, हम इतने हैं जितने ना के बराबर हैं। इतना समझ लेने से इंसान कमजोर हो जाता है। हम जब समझते हैं कि हमारे साथ हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के खुलाफा हैं, हजरत मेहदी माऊद हैं, रसूलुल्लाह के खुलाफा हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, और सबसे बढ़कर हमारे सीनों के अंदर जो दिल है उस दिल में अल्लाह तबारक व तआला है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला तो इरशाद फरमाता है, मैं बंदे से इतना ज्यादा नजदीक हूँ, इतना ज्यादा नजदीक हूँ। आगे बढ़ते हुए इरशाद फरमाता है, मिन हबलिन वरीद, मैं इसकी शहरत से ज्यादा हरीम हूँ। तो जब इतना हरीम हमारे अल्लाह तबारक व तआला है, तो हमें लय से डरने की क्या जरूरत है? और हमें लय जो है हजरत शाह निजाम ही नहीं बल्कि हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के तमाम खुलफा, और खुसूसन खुलफा को कहना हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ही को कहने के बराबर है। आज वक्त हजरत शाह निजाम और हजरत शाह निजाम या हजरत नगरिया से तुम्हें का नाम लिया जा रहा है, नाम लिया जा रहा है, मगर नशाना क्या है? हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम है। नशाना है तो कौम है, कौम को किसके नाम पर उजाड़ दिया जा रहा है? हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के नाम पर उजाड़ दिया जा रहा है। दुश्मनी है तो किससे? कौम से नहीं। कौम किसकी है? मेहदी माऊद की है। इनकी दुश्मनी है तो किससे है? बहरियाम से। ये छोटी छोटी जो कुरूयात हैं कौम मेहदिया की जो पहचान में है, इन चीजों से नहीं है, बल्कि दुश्मनी है तो खलीफतुल्लाह से दुश्मनी है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेहदी के दुश्मन अगर कोई होंगे तो वो उलमा होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात नहीं फरमाई कि वो कौम मेहदिया के होंगे या गैर होंगे, बल्कि मुतलक फरमा दिया, यहाँ पर भी हो सकते हैं, वहां पर भी हो सकते हैं। इसी वजह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को याद रखते हुए हमारे जो मुर्शिदीन हैं, इनके सामने उलमा का लफ्ज नहीं आता, बल्कि मुशायखीन का आता है या पीर मुर्शिद का आता है। हजरत आलिम बिल्लाह रज़ी अल्लाह तआला से हमें एक सबक मिलता है। आप जब हजरत शाहिदा रज़ी अल्लाह तआला के कदमों में जाते हैं, तो सबसे पहले जो आप अर्ज करते हैं आपके कदमों में बैठकर, आहा, मैं सबसे पहले अपने इल्म को कुर्बान करता हूँ। किसको? इल्म को कुर्बान करता हूँ। तो आज नहीं, कयामत तक भी हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम से लेकर कयामत तक भी कौम मेहदविया के उलमा अपने नाम के सामने आलिम भी नहीं कहते, और दूसरा लफ्ज भी इस्तेमाल नहीं परवाह नहीं करते, बल्कि फकीर का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्फकु फकरी, मुझे किसी चीज पर नाज है तो वो अपनी फकीरी पर नाज है। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस फकीरी के लफ्ज को पसंद फरमाया, तो कौम के अंदर आज भी बड़े से बड़े मुर्शिद भी बहुत ज्यादा ध्यान लेने के बाद भी अपनी आजीजी का इजहार ये करते हैं कि फकीर हूँ। तो इतनी बासफा और इतनी पाक कौम जो कयामत तक भी चलने वाली है, इस कौम को, इस कौम के उलमा को देखते हुए भी इंसान ये महसूस नहीं कर रहा है कि मैं किससे जाकर क्या सवाल कर रहा हूँ। वो जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की धूल में जिंदगी गुजार रहे हैं, अपने नाम के आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस चीज पर फख्र करते हैं उस नाम को लगाए हुए जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या ये किसी ऐसे गैर का जवाब नहीं दे सकते? अल्लाह ने पैदा करके रखा है, मगर आज इसी का इतना बड़ा मुजाहरा होता है कि हर एक की बात पर सबर करते हुए चले जाते हैं। तो मोहतरम हाजरी, आज ये सबर कर रहे हैं इस वजह से कि इस बात पर उंगली उठा दी जा रही है, फैज के ऊपर उंगली उठा दी जा रही है। अब फैज जो इंसान लेना चाहे, अल्लाह तबारक व तआला उसको बराबर लकड़ी से भी अता कर देता है, पानी से भी अता कर देता है। हजरत नूह अलैहि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मरी हुई, मरने के बाद भुनी हुई मछली लेकर निकलते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला हजरत खिजर अलैहिस्सलाम की बरकत से उस भुनी हुई मछली को जिंदा कर देता है। ये लकड़ी लाने से, ये पानी लाने से हम तो रस्मन ला रहे हैं, उस नाम में हमारे ईमान की जिंदगी रखा हुआ है। तो इस ईमान की जिंदगी को हर मकाम पर दिखाना भी जरूरी नहीं होता, लेने वाला महसूस कर लेता है, देने
तो हजरत मेहदी अमाउद अलैहिस्सलाम ने अपनी नजरों से पिला दिया, तो हजरत बंदगी ने सैयद पन्नी ने यही अर्ज किया, आखा फूट जाए बंदे की आंखें अगर बंदे ने दरमियान में आपको देखा हो, मेहदी को देखा हो, बल्कि बंदे ने खुदाए ताला को देखा है। इसी तरह हजरत शाही निजाम रजी अल्लाह तआला को भी जब नजरों से हजरत मेहदी अमाउद अलैहिस्सलाम ने पिला दिया तो हजरत शाही निजाम रजी अल्लाह तआला जमीन पर आ जाते हैं। क्या था ये फैज था जो हजरत मेहदी अमाउद अलैहिस्सलाम ने अपनी नजरों से अपने खुलाफा को पिलाया था, क्योंकि हजरत मेहदी अमाउद अलैहिस्सलाम ने 11 साल के जज्बे में फैज हासिल किया था, तो इन्हीं आंखों से खुदाए ताला का दीदार करते हुए फैज हासिल किया था। तो 11 साल के बाद हजरत मेहदी अमाउद अलैहिस्सलाम अपने हर खलीफे को नजर की बात आती है। तो मैं एक बात बताता हूँ, छोटे बच्चे होते हैं या दूसरा कोई खूबसूरत नौजवान होता है तो बुरी औरतें भी होती हैं, बुरे मर्द भी होते हैं, उनकी नजर बुरी होती है, वो बुरे नहीं होते, वो नजर इतना काम करती है कि रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया इंसानों की नजर इतनी बुरी होती है कि ऊंट कठोरे में आ जाता है, इतना बड़ा ऊंट गल जाएगा नजर की वजह से। जब बद नजर में इतनी ताकत रख दी अल्लाह ने, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन आंखों में जो खुदा का दीदार किया करती थी क्या रखा होगा अल्लाह तबारक व तआला ने, उन्हीं आंखों से हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम अपने खुलाफा को पिलाते थे। तो शाही निजाम रजी अल्लाह तआला के तालु से इरशाद फरमाते हैं, मैंने वहदत के सातों दरिया उन्हें लिए, शाही निजाम ने तमाम पी लिए, मगर फिर भी उनका लब तर नहीं हुआ। ये हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम अपनी नजरों के जरिए से फैज पिलाया करते थे, तो उस फैज के सदमे में खुलाफा खुदाए ताला का दीदार करते थे। मेहदी माऊद के बाद आपके खुलाफा अपने खुलाफा को उसी तरह जिस तरह मेहदी माऊद पिलाया करते थे, आपकी सोहबत में उस फैज को लेकर अपने खुलाफा को पिला दिया करते थे। अब इस फैज को कुरान में तलाश करो या हदीस में तलाश करो, मिलने वाला नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब कोई बंदा पाबंदी के साथ 40 दिन तक अपने आप को बुराइयों से बचाते हुए तकबीर उला के साथ मस्जिद की चहारदीवारी के अंदर गुजार देता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक नया इन जिसको इन में लघुनी अता की लघुनी कहा जाता है, अल्लाह तबारक व तआला एक नया इन बंदे को अता करता है। क्यों? उसकी परहेजगारी को देखते हुए। सिर्फ 40 दिन की बात यह है, जबकि हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के खुलाफा ने अपनी सारी जिंदगी अल्लाह के नाम का कुर्बान कर दी, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला ऐसे नूरानी इल्म अल्लाह तबारक व तआला उन हस्तियों को नहीं अता करेगा जिन्होंने अपनी सारी की सारी जिंदगी अल्लाह के नाम पर कुर्बान कर दी है? उनका देखना भी ईमान पैदा करने के बराबर होता है। ये क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक सहाबी पर नजर पड़ती है, नजर पड़ते ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद की तरफ तशरीफ लेकर आते हैं। थोड़ी देर के बाद वो सहाबी दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, अर्ज करने लगते हैं, मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूँ। तो वो अर्ज करते हैं कि मैं आप पर ईमान लाना चाहता हूँ। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, भाई क्यों? तो वो अर्ज करने लगते हैं, आपने आंखों से पिला दिया है, जब से आपकी नजर मुझ पर पड़ी है दिल बेचैन हो गया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक नजर बंदे को ईमान में दाखिल कर देती थी। तो यही नजर अल्लाह तबारक व तआला ने औलिया में चलाई, तो औलिया की भी नजर किसी एक नेक इंसान पर पड़ती तो उसकी जिंदगी अच्छी हो जाती थी। औलिया किसी को तमाचा नहीं मारते थे, अगर उनके साथ कोई गुस्ताखी करता तो वो अपनी जलाल भरी नजरों से उस पर नजर डालते तो वो ठंड जाता था। अगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्से की नजर अबू जहल पर भी डालते तो अबू जहल जल कर खाकिस्तर हो जाता, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर भी रहम कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नजरों से पिलाना औलिया के अंदर आया, तो इसी वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला मेरे हम नाम यानी खलीफतुल्लाह मेहदी माऊद को पैदा करेगा। तो हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो वो जो नजरों से आता रहा जो मेहदी माऊद तक आया, वो हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम के आने के बाद अल्लाह के रसूल
अलैहि वसल्लम से डायरेक्ट हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम को आया तो हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने नजरों से अपने खुलफा को पिलाया तो पहले ही मरतबा खुलफा को खुदाए ताला का दीदार हो गया। तो मुहतरम हाजरी, आज अक्सरियत दुनिया में मुसलमानों की अक्सरियत औलिया अल्लाह का इनकार कर रही है। औलिया अल्लाह का इनकार करने का सबसे बड़ा मकसद ये है कि वली के करिश्मे को देखते हैं, वली के करिश्मे को देखते हैं। मिसाल के तौर पर हजरत ख्वाजा गरीबुल नवाज जब उस मकाम पर पहुंचते हैं तो वहां पर गैरों के सताने की वजह से हजरत ख्वाजा गरीबुल नवाज रहमतुल्लाह अलैह अपने एक मुरीद को लोटा देकर भेजते हैं कि जाओ उस नदी का पानी भरकर लाओ जिस नदी पर जाने से मुसलमानों को रोक दिया जा रहा है, मेरे मुरीदों को रोक दिया जा रहा है। वहां से चुल्लू भर पानी लोटे के अंदर जब लाया जाता है तो उसी वक्त वो नदी का पानी सूख जाता है। तो लोग समझने वाले ये समझ जाते हैं कि औलिया अंबिया से भी बढ़ गए, जो काम अंबिया से नहीं हुआ वो औलिया करने लगे। उन बेवकूफों को इल्म नहीं है ये रसूलुल्लाह के सदके में हो रहा है। रसूलुल्लाह पर ईमान है तो ये मिल रहा है, अगर रसूलुल्लाह पर औलिया का ईमान ना होता तो उनको भी ना मिलता। सदका है रसूलुल्लाह का तो मिल रहा है। अब इस सदके की जो हकीकत है उस सदके की हकीकत से लोगों की नजरों ही को नहीं बल्कि उनके हर्फ और ज़हन को फेर दिया जा रहा है कि औलिया ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। अगर औलिया ऐसा करेंगे तो वो किससे बढ़ जाएंगे, अंबिया से बढ़ जाएंगे। उन बेवकूफों को इल्म होता तो वो कहते कि ये सदके में मिला है। अब बेवकूफ अकल न होने की वजह से कह जा रहे हैं ये अंबिया से भी बढ़ गए हैं। तो मुहतरम हाजरी, विलायत जो है वो आयन महदरियत है। जब आप विलायत के करीब जाएंगे औलिया अल्लाह की जिंदगियों को देखेंगे, हर वली हर औलिया अल्लाह में से हर एक वली तारीख दुनिया के महदरियत को शुरू कर दिया कब से अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के जरिए से कर दिया। अगर अल्लाह तबारक व तआला हजरत मेहदी माऊद से शुरू करवाता तो मेहदी माऊद से पहले के जितने भी औलिया थे वो तारीख दुनिया ना होते, वो खुदाए ताला का दीदार न करते। अल्लाह ने उसी वक्त से चश्मा बहा दिया क्योंकि इसके इख्तिताम के लिए मैं खलीफतुल्लाह को भेजूंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसको मुकम्मल करने के लिए सिर्फ मनसब बदल कर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमनाम हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज दिया। तो हजरत मेहदी माऊद की नजर अपने खुलाफा पर पड़ती तो वो खुलाफा की नजर से पर्दे हट जाते और खुदाए ताला का दीदार हो जाता था। तो मुहतरम हाजरी, ऐसी मुकद्दस कौम के अंदर और हजरत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम का जब हमें नाम मिल रहा है तो और किस नाम की जरूरत है हमें। आज लंगड़े लूड़े नाम देकर लोग अपने मजहब की पहचान कराना चाह रहे हैं जबकि खुद अल्लाह तबारक व तआला ने रसूलुल्लाह के जरिए से हमें महदवी नाम दे दिया है, हिदायत याफ्ता नाम दे दिया है। तो फिर हम गुमराही का इरादा करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला तबाह और बर्बाद करने के लिए भी देर नहीं करेगा बल्कि बहुत जल्द अल्लाह तबारक व तआला तबाह करके रखेगा। तो मोहतरम हाजरी, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कौमे महदविया के अंदर पैदा कर दिया है, ये अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा एहसान है हम पर। क्यों? इस वजह से कि अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो किसी के भी पेट में पैदा कर सकता था। पैदा करना बाप के या माँ के हाथ में नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। किसी के भी पेट में पैदा कर सकता था मगर अल्लाह का एहसान है कि कौमे महदविया के उन लोगों में जो हमारे माँ बाप हैं उनके पेटों में हमें पैदा किया है। तो ये अल्लाह का एहसान है और हमारे बड़ों की दुआ है। बड़ों की दुआ ये हुआ करती थी और बड़ों की आज भी दुआ यही हुआ करती है कि अल्लाह तुझे साहिब ईमान बनाए और तेरी औलाद को भी साहिब ईमान बनाए। वो दुनिया की दुआ नहीं करते थे बल्कि ईमान की दुआ दिया करते थे। तो आज भी बराबर हमारे पास ईमान ही की दुआएं दी जाती हैं। आप भी अपनी औलाद के लिए हिदायत की दुआ मांगिए, हिदायत के आखिरी मकाम पर पहुंचेंगे तो वहां पर एक ही नाम मिलेगा, महदवियत। यही है हमारा मजहब।
जिस पर हम बाकी हैं और अल्लाह तबारक वताला हमको इस पर चलाएंगे और कियामत तक भी अल्लाह तबारक वताला और उसको बाकी अल्लाह तबारक वताला हमारी मौत तक भी और मौत के बाद के फिक्रे से भी अल्लाह तबारक वताला और अब के फिक्रों से भी अल्लाह तबारक वताला हम तमाम की हिफाजत फरमाए। वाखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चौथे सहाबी वही के शाहे निजाम है। शाहे निजाम क्या है? खुदा का इनाम है। चौथे सहाबी वही के शाहे निजाम है। शाहे निजाम क्या है? खुदा का इनाम है। हकी तरफ थे आ गए ठुकरा के सल्तनत। हकी तरफ थी आ गए ठुकरा के सल्तनत। सोहबत में वही जी की रहे जो सुबह शाम है। इन मंतवती अशा के साथ में जनाब शाम दस्ते निजामी से गुजारिश करता हूँ कि वो मंतवत शाह निजाम रजी अल्लाह ताला अन्हु से सामग्री में अपना के तलब को हक से बादशाही को भी कशकोल से कम तर समझा। शान कितनी बुलंद है तेरा
बातें इतनी है तू है मेहंदी का बातें इतनी है तू है मेहंदी का और शान कितनी